हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हर्षा टेरेस गार्डन। तो आज का वीडियो है इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। ये देखिए मोगरा के कुछ सुंदर सुंदर मेरे फूल। आज इसी टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि समर में मोगरा की कैसे केयर की जाए, गर्मियों में कैसे देखभाल करें मोगरा की। सबसे पहले बता दूँ, ये बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाला एक फूल है। जब हम सुबह सुबह इसके आगे से गुजरते हैं तो हमारे पूरे आसपास एक अलग सा माहौल बन जाता है। अच्छी इसकी खुशबू है। मेरे पास एक और भी मोगरा है, फिलहाल ये मेरे पास स्टार मोगरा है जिसमें फूल आए हुए हैं। एक और मोगरा है पर उसमें अभी फूल नहीं आए हुए हैं, जो आगे के वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो मेरा दूसरी जगह पर है। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट के बारे में। देखिए कितना सुंदर लगता है गुच्छों में ये फूल। अब बात करते हैं सनलाइट के बारे में, इसको सनलाइट कैसी चाहिए। सबसे पहले ये ऐसा मोगरा है जो 12 महीने ही चलता है, परमानेंट प्लांट है। ये खास करके गर्मियों में, हमें मार्च अप्रैल में, इन गर्मियों के महीनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल देता है। तो इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। जितनी हम इसको धूप देंगे उतनी ये फूल खिलेंगे, अगर कम धूप होगी तो फिर ये फूल नहीं खिलेंगे। तो जितना हो सके आप इसको धूप दीजिए। उसके बाद बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में, इसकी मिट्टी हम कैसी तैयार करें। मिट्टी हमें हमेशा वेलडन रखनी है। जैसे कि आपको पता है मैं मिट्टी बनाती हूँ 50% गार्डन सोयल, 30% रेत जिसे बालुई मिट्टी कहा जाता है, और 20% खाद। इससे मिट्टी बहुत अच्छी तैयार होती है। आप चाहें तो मिट्टी मिट्टी बनाते वक्त इसमें सूखे हुए केले के छिलके और अंडों के छिलके, या फिर नीचे जो मैं डालती हूँ सूखी हुई पत्तियाँ। मैं जब भी कोई पौधा तैयार करती हूँ तो नीचे सबसे पहले सूखी पत्तियाँ डाल देती हूँ, उसके बाद मैं पौधा लगाती हूँ। अब बात करते हैं गमले के बारे में, इसको कौन सा गमला चाहिए। क्योंकि ये मोगरा प्लांट बहुत जल्दी और तेज़ी से फैलता है, तो जितना हो सके इसको 12 इंच के गमले में या फिर उससे भी ज़्यादा गमले में डाल सक इंच के गमले में डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 इंच का गमला तो होना चाहिए। ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब मैं नर्सरी से इसको लेके आई थी तो बहुत बिल्कुल छोटा सा पौधा था, लेकिन ये इतनी तेज़ी से भरा मैं बता नहीं सकती। ये बहुत बड़ा था लेकिन बंदरों ने इसे पूरी तरह खा लिया, फिर भी इसमें अच्छे खासे फूल आए हैं। ये करीबन मैं दिसंबर या जनवरी में लेके आई थी, पर तब से अब तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जब इसमें कोई फूल नहीं आया हो। जब भी देखो इसमें 20, 10, 15 तो फूल आते ही हैं, अच्छे खासे फूल आते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है। एक बार तो आप अपने घर में ये पौधा लगाइए, परमानेंट पौधा है, पूरा आपका टेरिस खुशबू से महक जाएगा। उसके बाद बात करते खाद की, इसको खाद कौन सी देनी है। वैसे तो आप इसमें कोई भी खाद डाल सकते हैं, पत्तों की खाद, वर्मी कंपोस्ट या घर में बनी हुई खाद, लेकिन मैंने इसमें एक ही बार खाद डाली थी जब मैंने पौधा तैयार किया था, बस उसी टाइम मैंने खाद डाली थी। उसके बाद मैंने खाद नहीं डाली है क्योंकि मेरी खाद पूरी हो गई थी और लॉकडाउन के बाद मेरे पास कुछ था भी नहीं। मैं जो भी होता है अपने घर में से यूज़ करती हूँ चीज़ें, जैसे चाय की पत्ती हो गई, घर में से चाय बनाते हैं फिर जो चाय की पत्ती होती है उसको अच्छी तरह धो कर सुखा कर 2-3 दिन वो डाल दी, कॉफ़ी डाल दी, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे केलों को छिलके हुए, या बहुत सारी चीज़ें होती है घर में हमारे, चावल चावल का पानी, दाल धोते हैं वो पानी, सब्जियां धोते हैं, जो भी मेरे घर में से लिक्विड निकलता है, घर में जो भी सब्जी चावल धोती हूँ वो हफ्ते में कम से कम एक बार तो मैं ज़रूर डालती हूँ। जितना हो सके मैं अपने घर में से ही यूज़ करती हूँ। अब मैंने इसकी मिट्टी बता दी आपको और इसको कौन सी दिशा में रखना है, जहाँ कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप पाए। और हमें जहाँ मैं बात करूँ इसमें कीड़े मकोड़े लगे, अभी तक तो मेरा एक भी इसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। और किसी पौधे में अगर लगता भी है तो मैं इसमें जैसे घर के बनाए हुए नीम के पत्तों को गर्म करके वही मैं स्प्रे करती हूँ छान कर, या फिर लहसुन प्याज ये सब छिलकों को पीस कर इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ, पर अभी तक इसमें एक भी मेरा कीड़ा नहीं लगा हुआ है। हाँ, याद करके ये याद रखना है,
हर हफ्ते हमें इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है, चाहे आप वो एक मुट्ठी भर के करिए या फिर शावर से कीजिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसमें धूल और मिट्टी बन जाएगी और धूल और मिट्टी जमा होने से पौधा हमारा ख़राब ही हो सकता है। गर्मी में तो चलो ये अच्छा खासा चलता है, लेकिन ठंडी के दिनों में ये डोमेस्टिक मोड में चला जाता है, यानी इसकी पत्तियाँ पूरी पीली पड़ जाती हैं और गिर जाती है और ये पूरा खाली हो जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे ठंडी जाएगी यानी फरवरी का महीना जाएगा, ये मार्च में अपने आप ही ग्रो करता है और नई पत्तियाँ निकालता है। बस आपको याद रखना है, जैसे ठंडी की सीजन आती है आपको ऐसी दिशा में रखना है जहाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले, चाहे ठंडी धूप पर धूप ज़रूर मिले। अब इसको हर फरवरी के बाद में जब ठंडी चली जाए इसको प्रूनिंग कर देना है। प्रूनिंग करने से हमें एक ही फ़ायदा ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग मिल जाती है और जहाँ से हम प्रूनिंग करते हैं डंडियाँ काटते हैं वहाँ से ज़्यादा और डंडियाँ निकलती है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिलते हैं। ये देखिए कितने गुच्छों में खिले हुए हैं और कितने सुंदर लगते हैं। ये हर दिन कम से कम 8 से 10 फूल खिलते ही है। अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए तो रोज़ के रोज़ जितने फूल हमारे सड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तो आप निकाल लीजिए। जहाँ से आप वो पीला फूल निकाल देंगे या सड़ा हुआ फूल निकाल देंगे वहाँ से वो दूसरा फूल आएगा। आप अपने घर में कम से कम एक मोगरा का पौधा लगाइए, आपको अच्छा सुकून मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो